मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। 5-7 मिनट में कुछ जरूरी सवाल हो तो पूछ लीजिए, एक एक करके आप सवाल पूछिएगा जी। हाँ, एक मिनट जी हाँ, हमारे देश की सरकार चलाने वाले नेता और मंत्री, उनको इस तरह की बल्क परचेज करने में करोड़ों रुपए की रिश्वत होती है। जब वो उस कंपनी को प्लेस करते हैं ना ऑर्डर, उन्होंने 10,000 कोटी का ऑर्डर दे दिया, कल्पना करोगे 10,000 कोटी की टेमीफ्लू हमको दे दो, तो इसमें से कम 1,000 से 1,500 कोटी रुपए मंत्रियों की रिश्वत का फिक्स हो जाएगा। इसलिए सरकार का इंटरेस्ट है कि ये दवा मंगाई जाए, और इतना ही इंटरेस्ट नहीं है, स्वाइन फ्लू का टेस्ट करने के लिए किट्स मंगाई जाएं अमेरिका से, मशीनें मंगाई जाएं अमेरिका से। अभी चर्चा ये चल रही है कि हर एयरपोर्ट पे मशीनें लगाई जाएंगी, उनमें से आदमी को गुजार कर टेस्ट करेंगे, वो मशीनें लाखों करोड़ों रुपए की हैं। तो उनका ऑर्डर अमेरिका में किसी कंपनी को दे दिया सरकार ने, उस ऑर्डर का 10-15% मंत्रियों को मिल गया हिस्सेदारी के रूप में, अधिकारियों को मिल गया। तो सरकार का वेस्टेड इंटरेस्ट ये होता है कि खूब रिश्वत इस तरह के कामों में मिलती है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देता हूँ, आपको याद है 14 साल पहले सूरत में एक अफवाह उड़ी थी कि प्लेग आ गया, याद है? उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि पूरे सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरे सूरत के 14 दिन तक सूरत में एक कारखाना नहीं चला, एक पैसे का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सारे कारखाने ठप हो गए, मजदूर भागकर सब अपने गांव चले गए क्योंकि सबको दहशत और डर बैठ गया। उतनी देर में परिणाम क्या निकला, भारत में कपड़े की कमी आ गई। तो सरकार ने क्या किया, परदेशी कंपनियों को कपड़ा भारत में बेचने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया, तो परदेशियों का अंधाधुंध कपड़ा बिका। और उसके बाद 14 दिन के बाद फिर खबर आई कि प्लेग नहीं है, वापस लोग आए, लेकिन वापस आने में 6 महीने लग गए और फैक्ट्री चलाने में 6 महीने लग गए। 6 महीने तक भारत का बाज़ार विदेशी कंपनियों ने कपड़े से भर दिया और पूरे खेल में 14,000 कोटी का नुकसान भारत देश को हुआ। ये 14 साल पहले सूरत में हुआ था। फिर बाद में वैज्ञानिकों ने जाँच की तो पता चला कोई प्लेग नहीं था, सिर्फ अफवाह थी, और वो अफवाह उन कंपनियों ने फैलाई थी जिनको भारत में कापड़ बेचना था। यही खेल अभी हो रहा है, और अभी खेल क्या हो रहा है, पुणे कितने दिन से बंद है, 8 दिन हो गए। पुणे में एक दिन की गतिविधि जो चलती है, जिसको अंग्रेजी में हम सब ट्रांजैक्शन कहते हैं, कितने करोड़ का होगा, 500 कोटी। अब 500 कोटी का ट्रांजैक्शन एक दिन का, तो 8 दिन का 4,000 कोटी रुपए नुकसान हो गया पुणे का, सिर्फ एक झूठी अफवाह के आधार पर। अब ये 4,000 कोटी का नुकसान तो हो ही गया, वो एक बात है। अब वो कंपनी यहाँ जब दवा बेचेगी और वैक्सीन बेचेगी तो पुणे का और 10,000 कोटी का नुकसान होगा, क्योंकि हम वैक्सीन खरीदेंगे, दवा खरीदेंगे, पैसा उस कंपनी के हाथ में जाए। और अगर ये खेल लंबा चल गया तो जानते हैं क्या होगा, यहाँ जो सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ हैं, आईटी कंपनियाँ, वो कहेंगी यहाँ से बेस अपना शिफ्ट करो, यहाँ धंधा अब ठीक नहीं है करना, क्योंकि जब उनके कर्मचारियों के सिर पे तलवार लटकती होगी तो वो कैसे करेंगे। वो यहाँ से अगर शिफ्ट कर गए, बेंगलोर चले गए या कहीं और चले गए, तो पुणे का ये जो आधार बना ये ख़त्म हो जाएगा, हज़ारों लोगों की नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इतना बड़ा खेल है ये, और ये खेल सिर्फ बीमारी का नहीं है, ये खेल एक युद्ध का हिस्सा है, और ये युद्ध जो है ना आर्थिक युद्ध है। कुछ युद्ध होते हैं वो सैनिक युद्ध होते हैं, सैनिक युद्ध में हमारी सेना दुश्मन की सेना से सीधे लड़ती है बॉर्डर पे, लेकिन कुछ युद्ध होते हैं जो आर्थिक युद्ध होते हैं, जो आपके बाजार में लड़े जाते हैं, जिसमें कोई विदेशी कंपनी आके एक झटके में आपका 4,000 कोटी का नुकसान कर देती है, और वही कंपनी और 10-20 हज़ार कोटी वहां से लूट के ले जाती है। ये आर्थिक युद्ध है। अब इस आर्थिक युद्ध में सैनिक आप हैं, सैनिक युद्ध के सैनिक बॉर्डर पे हैं, आर्मी के, एयरफोर्स के, नेवल फोर्स के सैनिक हैं, वो बॉर्डर पे देश की एक एक इंच जमीन की रक्षा करने के लिए लड़ रहे हैं। तो आप देश के
आर्थिक युद्ध के सैनिक बने जो देश का एक एक रुपया, एक एक पाई, एक एक धन की संपत्ति को बचाने की लड़ाई लड़ें। इसलिए सैनिकों का दिमाग साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए अपने उद्देश्य के प्रति और अपनी संपूर्ण समर्पण के प्रति। आपका उद्देश्य अगर आपको साफ दिख रहा है तो युद्ध में आप लड़ेंगे और जीतेंगे, और अगर आपका उद्देश्य ही आपको साफ नहीं दिख रहा है तो लड़ेंगे तो सही लेकिन हारेंगे। इसलिए ये आज का कार्यक्रम रखा गया कि ये आर्थिक युद्ध भारत के खिलाफ शुरू हुआ है और इस युद्ध में बड़े बड़े लोग शामिल हैं। उनमें सबसे बड़ा देश है अमेरिका। अमेरिका को भारत से इस समय बहुत डर लग रहा है। मैं आपको बताऊं वो डर क्या लग रहा है। पूरा अमेरिका इस समय मंदी का शिकार है। अमेरिका की बड़ी बड़ी बैंकें और बीमा कंपनियां दिवालिया हो गई हैं। जिन बैंकों के लोग नाम लेकर कसम खाया करते थे बाजार में, जिन बैंकों के नाम पर लोगों को लाखों करोड़ों डॉलर कर्ज के ऐसे ही मिल जाया करते थे, अब उन बैंकों का कोई नाम लेवा नहीं बचा है दुनिया में। अमेरिका की सबसे बड़ी बैंक लेहमन ब्रदर्स पूरी तरह से डूब चुकी है। अमेरिका की स्टैंडर्ड चार्टर्ड डूब चुकी है। अमेरिकन एक्सप्रेस डूब चुकी है। अमेरिका की 56 बड़ी बैंकें दिवालिया हो चुकी हैं। फिर बीमा कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। अमेरिका की आन बान शान कही जाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जनरल मोटर्स दिवालिया हो चुकी है। जनरल मोटर्स के कारखाने बंद हो चुके हैं। फोर्ड दिवालिया हो गई, उसके कारखाने बंद हो गए। आईबीएम की हालत खराब है, एक्सॉन की हालत खराब है। अमेरिका में ऐसी सैकड़ों सैकड़ों कंपनियां हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, और अमेरिका में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। मजदूर बेकार हो रहे हैं, काम वाले लोगों का काम खत्म हो रहा है। जो लोग बाहर से जाकर अमेरिका में बसे हुए हैं उनको रोज पिंक स्लिप दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कल से नौकरी पे नहीं आना। जिन जिन लोगों ने 20-20 साल अमेरिका की किसी कंपनी में काम किया है, एक झटके में उनकी नौकरियां खत्म हो रही हैं। और अमेरिका के लोगों को जिंदा रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के हर आदमी को वहां की सरकार ने कर्जदार बना के रखा हुआ है, और लोगों के पास कर्ज वापस देने का पैसा नहीं है क्योंकि लोगों की आमदनी बहुत कम हो गई है। अमेरिका के लोगों में पिछले 30 साल में एक खराब आदत डाली गई है, वो ये कि आमदनी से ज़्यादा खर्चा करो। आमदनी $100 की है, खर्चा $200 का करो। आमदनी $1,000 की है, खर्चा $10,000 करो। तो आमदनी कम है, खर्चा ज़्यादा है, तो कर्ज ही लेना पड़ेगा। तो कर्ज देने के लिए बैंकों को 30 साल से कहा गया कि अंधाधुंध कर्ज बांटो, तो बैंकों ने बिना सोचे समझे कर्ज बांटा। जिन लोगों की कैपेसिटी थी $1 करोड़ कर्ज लेने की, उनको $10 करोड़ दिया। जिनकी कैपेसिटी 10 करोड़ की थी उनको 100 करोड़ दिया। थोड़े दिन में क्या हुआ, कर्ज वाटअप चला। फिर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कर्ज वापस नहीं दे सकते, और उसी में बैंकें डूब गईं। बैंकें डूबी तो उसके साथ जुड़ी हुई कंपनियां डूबी, क्योंकि उनके रिजर्व बैंकों में थे, तो सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया। अब अमेरिका वापस खड़ा हो पाएगा इसमें शंका है, संभावना नहीं है। अमेरिका अब खड़ा नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका के बारे में दुनिया के दूसरे देशों को ऐसी ऐसी बातें पता चली हैं कि अब अमेरिका पे विश्वास लोगों ने करना बंद कर दिया है। अभी थोड़े दिन के बाद क्या होने जा रहा है कि ये जो तेल बिकता है सारी दुनिया में, ये डॉलर में बिकना बंद हो जाएगा, क्योंकि तेल पैदा करने वाले देशों ने फैसला किया है कि हम तेल बेचेंगे हमारी करेंसी में, डॉलर में नहीं बेचेंगे। जो देश तेल को अपनी करेंसी में बेचना चाहते हैं उनमें से इराक है, ईरान है, वेनेजुएला है, कुवैत है, अरब है, संयुक्त अरब अमीरात है, इन सब देशों ने क्लब बना लिया है। हो सकता है जनवरी 2010 में उनकी कोई कॉमन करेंसी आ जाए, तेल वो उसमें बेचेंगे। जैसे ही तेल डॉलर में बिकना बंद होगा, डॉलर की कीमत पूरी दुनिया में ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि डॉलर की अपनी कोई ताकत नहीं है, वो कागज़ का टुकड़ा है सिर्फ, उसके पीछे बैकिंग कुछ नहीं है। दूसरे देशों की करेंसी की तो बैकिंग होती है सोने की, प्लेटिनम की, गोल्ड की, या तो कुछ और नेचुरल गैस की, या तो तेल की। अमेरिका के डॉलर की कोई बैकिंग नहीं है। उन्होंने हाँ, और उन्होंने छाप छाप के डॉलर मार्केट में इतना फेंका हुआ है, उसके बराबर कुछ नहीं है। मैं आपको एक सीधी सी बात समझाना चाहता हूँ, बहुत गहरी, जो आप सबको समझाइए। अगर आज हम हिंदुस्तानी एक फैसला करें
कि भारत में जितने भी डॉलर्स हैं मार्केट में वो सब हम इकट्ठा कर दें और अमेरिका को वापस कर दें कि तुम तुम्हारा डॉलर रख लो और इसके बदले में हमको सोना दे दो, तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। उतना भी सोना उनके पास नहीं है कि वो भारत को दे सकें। भारत के मार्केट में बहुत ज़्यादा डॉलर नहीं है, मुश्किल से 3,500 अरब डॉलर हैं, लेकिन हमसे भी ज़्यादा डॉलर दूसरे मार्केट में घूम रहे हैं। भारत और चाइना मिलकर अगर ये तय कर ले कि डॉलर वापस कर देंगे और सोना ले लेंगे, तो 10 बार अमेरिका को बेच दो दुनिया में तो भी वो सोना नहीं दे पाए। आज अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार देश हो चुका है। एक एक आदमी उनका कर्जे में नाक तक डूबा हुआ है, सरकार डूबी हुई है, राज्य सरकारें डूबी हुई हैं, उनको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। अमेरिका की हालत इस समय ऐसी है कि समुद्र में कोई आदमी कूद पड़े और उसको तैरना नहीं आता हो और वो डूबने जा रहा हो, वैसी स्थिति अमेरिका की। अमेरिका बहुत खराब हालत में है और बराक ओबामा को अमेरिकन लोगों ने इसी उम्मीद पर जिताया है कि ये हमारी हालत को ठीक कर देगा, लेकिन बराक ओबामा के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो वो अमेरिका को रातों रात में ठीक कर दे, क्योंकि अमेरिका पिछले 250 साल में बिगड़ा है तो ठीक होने में और 250 साल ही लगेंगे। तो ये देश डूब रहा है। डूबता हुआ देश क्या करता है? चिढ़ता है, और इस समय अमेरिका चिढ़ा हुआ है भारत से, चीन से, जापान से, उन सभी देशों से जो अमेरिका की टक्कर ले सकते। तो अब अमेरिका इस समय क्या कोशिश कर रहा है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबें। तो अमेरिका को तो मालूम है कि हमें डूबना है, अब वो ये सोच रहा है कि भारत को भी हम डुबो दें। तो भारत को डुबो देने के लिए ये सारे खेल हैं जो चल रहे हैं। अमेरिका की कंपनी आती है, स्वाइन फ्लू का सारे देश में आतंक फैलाती है, फिर टैमीफ्लू दवा लेके आती है, वो दवा आपको अगर खिला दी जाए तो आप इतनी जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगेंगे कि बहुत जल्दी मर जाएंगे। मैं आपको एक पुरानी घटना बताता हूँ। 1816-18 में दो साल भयंकर फ्लू हुआ था, एवियन फ्लू। उस समय अमेरिका की कुछ कंपनियों ने वैक्सीन बेचे थे। एवियन फ्लू के जो वैक्सीन लगाए गए ना लोगों को, वो सब लोग मरे। और कितने लोग मरे मालूम है? 4.5 करोड़ सारी दुनिया में। माने 4.5 करोड़ लोगों को अमेरिकन कंपनियों ने जो वैक्सीन लगाए वो सब मर गए, और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया था वो सब जिंदा रहे। ये वैक्सीन इतने खतरनाक होते हैं कि आज आपको लगा दिए जाएं, 10 साल के बाद आपके शरीर का क्या हाल होगा कोई बताने को तैयार नहीं।